из океана еще и помогут это сделать. क्या रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दिमाग खराब हो गया है? क्या वो इसी मानसिक असंतुलन की वजह से किसी भी हद तक जा सकते हैं? शायद व्लादिमीर पुतिन कैंसर जैसी किसी घातक बीमारी का शिकार हैं, जिसके लिए वो लंबे समय से स्टेरॉयड ले रहे हैं। और ये स्टेरॉयड ट्रीटमेंट यानी इस इलाज का ही असर है जिसने उनका दिमागी संतुलन बिगाड़ दिया है। पुतिन को लेकर दुनिया की 5 देशों की खुफिया एजेंसियों यानी 5 आईज ने जो नया खुलासा किया है वो कुछ ऐसा ही है। कभी पुतिन के साथ जासूसी की ट्रेनिंग ले चुकी एक लेडी सीक्रेट एजेंट यानी पूर्व महिला जासूस ने भी उन्हें लेकर जो बात कही है वो 5 आईज के इन्हीं तथ्यों की पुष्टि करती है। इन दिनों अमेरिका में रह रही इस पूर्व महिला जासूस ने कहा है कि पुतिन वाकई यूक्रेन पर कब्जा करने और उसे सबक सिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यानी अगर 5 आईज की इस रिपोर्ट पर यकीन करें तो खुद पुतिन की जिंदगी खतरे में है। और तजुर्बा बताता है कि जिसे अपनी जिंदगी पर मंडरा रहे खतरे का एहसास हो जाए, कई बार ऐसे लोग बड़े ही खौफनाक और विनाशकारी फैसले लेने से भी बाज नहीं आते। फाइव आईज के एक सीनियर खुफिया अधिकारी ने अपने इस खबर पर मुहर लगाते हुए क्रेमलिन के सूत्रों का हवाला दिया है और कहा है कि ये पुतिन की बीमारी और उससे पैदा हुई उनके फिजिकल और मेंटल कॉम्प्लिकेशंस यानी जटिलताओं का ही असर है कि पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करने जैसा घातक फैसला कर लिया। ये अकेला मामला नहीं है। हाल के कुछ सालों में पुतिन के ओवरऑल बिहेवियर और उनकी बॉडी लैंग्वेज पर पैनी निगाह रखने वाले जासूसों ने खुलासा किया है कि 69 साल के रूसी राष्ट्रपति का व्यवहार बड़ी तेजी से अजीबोगरीब और अप्रत्याशित होता जा रहा है। वो कभी भी कुछ भी फैसला लेते हैं और उनकी बीमारी के ये साइड इफेक्ट न सिर्फ उनके फैसलों पर दिख रही है बल्कि उनके चेहरे और जिस्म के दूसरे हिस्सों पर भी नजर आ रही है। हाल के कुछ दिनों में पुतिन ने लोगों से मिलने जुलने से भी खासी दूरी बना ली है। ब्रिटेन के एक न्यूज़पेपर डेली मेल ने भी पुतिन की सेहत को लेकर 5 आईज के इस रिसर्च पर एक रिपोर्ट छापी है जिसमें बताया गया है कि पुतिन को लेकर इन 5 देशों की खुफिया एजेंसियों ने ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए ये चौंकाने वाली जानकारियां जुटाई है जिसमें 5 सालों में पुतिन के व्यवहार और उनके फैसलों का ब्यौरा शामिल है जिसमें उनके बदले हुए रवैये की झलक मिलती है। पुतिन का अपना व्यवहार तो खैर बदला ही है, उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग भी उन्हें उनके फैसलों के सही सही अंजाम को लेकर समझाने में नाकाम रहे हैं और यूक्रेन पर हमला करने का उनका फैसला इसी बात का सबूत है। अब बात स्टेरॉयड की वजह से पुतिन में आए जिस्मानी बदलावों की। सूत्रों का दावा है कि पुतिन के चेहरे और उनकी गर्दन पर पिछले कुछ महीनों से सूजन दिख रही है। इसके अलावा उनका रंग भी जर्द पड़ गया है और किसी के जिस्म में ऐसी तब्दीलियां आमतौर पर स्टेरॉयड के लंबे डोज का साइड इफेक्ट माना जाता है। पुतिन को लेकर सामने आ रही खबरों के मुताबिक उन्होंने अपने देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी फेडरल सीक्रेट ब्यूरो के फॉरेन सर्विस के चीफ सरगई बेसेदा और उनके डिप्टी चीफ अनातोली वॉलियुख को न सिर्फ उनके पदों से हटा दिया है बल्कि उन्हें अगले आदेश तक के लिए हाउस अरेस्ट यानी नजरबंद भी कर दिया है क्योंकि पुतिन का मानना है कि उनके ये दोनों अधिकारी यूक्रेन से जुड़ी सटीक खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में नाकाम रहे हैं और यूक्रेन में रूसी फौज को कदम कदम पर मिल रही शिकस्त भी इसी नाकामी का नतीजा है। जासूसों का कहना है कि पुतिन का ऐसा करना भी इस बात की निशानी है कि उन्हें पार्किंसंस या डिमेंशिया जैसी कोई बीमारी है जिसका असर उनके दिमाग पर पड़ा है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी का कहना है कि पुतिन दरअसल रोइड रेज नाम के एक साइड इफेक्ट का शिकार है जो स्टेरॉयड के लंबे इस्तेमाल की वजह से होता है।
सूत्र बताते हैं कि पुतिन ने जिस तरह से खुद को दूसरों से अलग कर लिया है और जिस तरह से वो लोगों से मिलने जुलने से परहेज कर रहे हैं, वो उनके दिमाग में पल रहे मौत के डर की निशानी है। और ऐसा अक्सर दवाओं की वजह से होता है, जिसका असर इंसान के इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर भी पड़ता है। इम्यून सिस्टम के कमजोर होते ही इंसान कई तरह के संक्रमण के खतरे में भी आ जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले महीने भी जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों रूसी राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे थे, तब पुतिन ने उन्हें खुद से कम 13 फीट की दूरी पर यानी एक टेबल के बिल्कुल दूसरे छोर पर बिठाया था, जिसमें वो खुद बैठे हुए थे। इसी के साथ इस मीटिंग से किसी भी रूप से जुड़े रहने वाले लोगों को भी पुतिन ने पहले ही कम से कम 2 हफ्तों के लिए क्वारंटाइन रहने का हुक्म दिया था। मैक्रों और पुतिन की इस मुलाकात के बाद कुछ फ्रेंच अफसरों ने यह भी कहा कि ये वो पुतिन नहीं है जिनसे मैक्रों की 2 साल पहले मुलाकात हुई थी। कहने का मतलब ये है कि नए पुतिन उन्हें काफी बदले बदले से नजर आए और कुछ मामलों में उनका रवैया पहले की तुलना में खराब हो चुका था। ठीक 5 आईज की तरह ब्रिटेन के भी एक खुफिया सूत्र ने यह दावा किया है कि पुतिन को लेकर उनका रिसर्च बेहद पुख्ता और भरोसेमंद है। इस सूत्र का यहां तक कहना था कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को वो जितनी नजदीकी से मॉनिटर करते हैं, उसके मुकाबले वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को और बारीकी से फॉलो करते हैं। वैसे सिर्फ अमेरिकी और यूरोपीय देशों की खुफिया एजेंसियां ही पुतिन को ट्रैक नहीं कर रही, बल्कि इन देशों के दिमाग में क्या चल रहा है, रूस के जासूस भी उसका पता लगाने में जुटे रहते हैं। खुफिया एजेंसियों के बीच जारी ये रस्साकशी कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इंटरपोल के कुछ सदस्य देशों ने इस अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संस्था से फिलहाल रूस को निकाल बाहर करने की मांग की है, ताकि रूस को बाकी दुनिया की जानकारी जुटाने से रोका जा सके। हालांकि इंटरपोल के प्रेसिडेंट मेजर जनरल अहमद नासिर अल रईसी पर ब्रिटेन ने फिलहाल रूस को निकाल बाहर करने के फैसले पर ब्रेक लगाने का इल्जाम लगाया है। अब बात 5 देशों की खुफिया एजेंसी 5 आईज की, जिसके इस नए खुलासे ने दुनिया को हैरान कर दिया है। 5 आईज यानी अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की टॉप खुफिया एजेंसियों का वो संगठन जो जरूरत के मुताबिक एक दूसरे के साथ अपनी खुफिया जानकारी शेयर करते हैं, और इत्तेफाक से इनमें से कुछ देश नेटो के मेंबर हैं, जिनके साथ इन दिनों यूक्रेन को लेकर रूस की ठनी हुई है। अब जरा यूक्रेन में मची तबाही की बात भी कर लेते हैं। यूक्रेन के शहर बर्बादी के निशान समेटे हुए हैं। कुछ शहर तो ऐसे हैं जिन्हें रूस ने सालों तक आबाद न होने का श्राप दिया है। खारकीव, मारियोपोल, इरपिन, बुचा, 3-4 नहीं पूरे 19 शहरों के लिए रूस भस्मासुर बना हुआ है। मारियोपोल के आज की तस्वीरें देखकर तो एक नजर में लगता ही नहीं कि यहाँ पर कोई बसा बसाया शहर था। इमारतों के पास से टैंक के बरसते गोले सब कुछ मिटा देने पर उतारू हैं। युद्ध के 19 दिन बीत गए हैं, लेकिन बमों की गर्जना अब भी सुनाई देती है। गोलियों की आवाज गलियों में सुनाई देती है। जब भी कोई आसमान की ओर देखता है तो उसकी सांसें थमने लगती हैं, क्योंकि आसमान पर रूस की वायुसेना का कब्जा है, तो बमों की बरसात भी चल रही है। आज तक ब्यूरो।